कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग की है। अच्छा हो गई स्टार्ट, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, एक बेसिक मीनिंग देते हैं। मनी क्या है? मनी कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आप आज की डेट में जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज देते हैं तो उसके एक्सचेंज में जो चीज आप प्रोवाइड करते हैं वो मनी होती है। देख, सिंपल सी मीनिंग, मनी इज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द इकोनॉमी। अब क्या था, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से गुड्स या सर्विसेज के बदले मनी ही पे कर रहे थे या दे रहे थे। जब मनी नहीं था तब हमारी इकोनॉमी में जो सिस्टम चलता था वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। 1 मार्क में क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, व्हाट बार्टर सिस्टम का अदर नेम क्या है, तो इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी को बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। जब किसी गुड्स के बदले गुड्स ही दिया जाता है तो उसे बार्टर कहा जाता है, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, व्हेन द परचेजिंग पावर वॉज डिटरमाइंड बाय कॉमोडिटी इन पोजेशन। यदि मीनिंग भी याद रखना, जब आपकी परचेजिंग पावर आपके पास होने वाली कमोडिटी से डिटरमाइन की जाती है उसे बार्टर कहते हैं। और एक डेफिनेशन, व्हेन फॉर परचेज ऑफ गुड्स अनदर गुड्स इज गिवन इन एक्सचेंज, इज गिवन इन एक्सचेंज, इन एक्सचेंज। जब आप सामान के बदले सामान ही एक्सचेंज करते हैं तो उसे बार्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिक्वायरमेंट है पेन की, मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है? आपकी रिक्वायरमेंट है मान लो बर्गर की, ठीक है? अब अगर हम दोनों कहीं मीट करते हैं और ऐसा होता है कि मेरे पास बर्गर अवेलेबल है और आपके पास पेन अवेलेबल है, तो जो हम बेस्ट थिंग कर सकते हैं वो ये है कि मैं आपको बर्गर दे दूं क्योंकि आपको उसकी जरूरत है, और आप उसके बदले मुझे पेन दे दो। पर दिक्कत ये है कि आपको जो चाहिए, जैसे आपको क्या चाहिए, बर्गर, वो मेरे पास होना चाहिए, और मुझे आपसे क्या चाहिए, पेन, वो पेन आपके पास होनी चाहिए। जब हम दोनों की वॉन्ट्स मीट करेंगी तब बार्टर सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज बार्टर सक्सेसफुल नहीं होता। इसे कहा जाता है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट। मुझे जो चाहिए वो आपके पास है और आपको जो चाहिए वो मेरे पास है। जब ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी बार्टर सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होता। सपोज करो, आपको चाहिए था बर्गर लेकिन मेरे पास था पिज्जा, ठीक है? तो आप मुझे पेन क्यों दोगे? आप तो बोलोगे ना, हमको आप बर्गर दिए रहते तो हम पेन देते, लेकिन क्योंकि आपके पास बर्गर नहीं है तो हम आपको पेन नहीं दे सकते। तो यहां पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है कि आपको जो चाहिए वो चीज मेरे पास होनी चाहिए और मुझे जो चाहिए वो चीज आपके पास होनी चाहिए। आप बोलते हो सर पेन तो नहीं है, बर्गर के बदले पेंसिल दे दो। मैं बोलूंगा भाई मुझे पेंसिल नहीं चाहिए, मुझे आपसे क्या चाहिए, पेन ही चाहिए। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, बार्टर सिस्टम वर्क्स ऑन डैश। तो आपका आंसर क्या होगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? आ गई तो हैंड रेस करो, आ गई है तो हैंड रेस करो। आपको बार्टर का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आप इसको सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी बोल सकते हो, जनरल मीनिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, और क्या बोल सकते हैं, व्हेन परचेजिंग पावर वाज डिटरमाइंड बाय कमोडिटी इन पोजेशन, और क्या बोल सकते हो, व्हेन परचेज फॉर परचेज ऑफ गुड्स अनदर गुड्स इज गिवन इन एक्सचेंज। अब क्या था, बार्टर सिस्टम के कुछ अपने लिमिटेशंस थे। आपका एग्जाम में लिमिटेशन पूछ सकता है, तो हम लिमिटेशंस को एक-एक करके करते हैं। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये डीमेरिट बार्टर सिस्टम का ये था कि देयर वाज लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है? बार्टर जैसा कि हमने पढ़ा तभी वर्क कर पाता है जब कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो। मतलब ये है कि हम दोनों के पास वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है,
पर जरूरी नहीं है कि ये चीज हमेशा हो सके, कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लिख के बताऊं, अदीश की रिक्वायरमेंट है टी एस ग्रेवाल की बुक, ठीक है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मान लो समोसा। अब कहने का मतलब ये है कि अधीश मुझे कहता है कि सर अगर मैं आपको समोसा दूंगा तो आप मुझे टीएस ग्रेवाल की बुक दे देना, लेकिन हो यहां पर ये रहा है कि अधीश तो समोसा देने को तैयार है पर मेरे पास टीएस ग्रेवाल की बुक नहीं, जैन एंड नोहरी की इकोनॉमिक्स की बुक है। अब बताओ अधीश, आप खुद बताओ क्या यहां पर हमारे बीच बार्टर हो पाएगा? नो सर। क्यों नहीं हो पा रहा है बताओ? क्योंकि मेरे को टीएस ग्रेवाल चाहिए और आप मेरे को इकोनॉमिक्स की जैन एंड नोहरी दे पा रहे हैं, तो मेरी वांट फुलफिल नहीं हो पा रही है यहाँ पर। वांट फुलफिल नहीं हो पा रही है तो यहाँ पर हमारे माइंड मीट नहीं कर पा रहे, हमारी वांट फुलफिल नहीं हो पा रही है क्योंकि अदीश की जो वांट है मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा डीमेरिट या पहला डीमेरिट बार्टर सिस्टम का यही होता है कि देयर इज लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वही चाहता हो जो आप प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड जो इसमें जो डीमेरिट आप कह सकते हैं वो ये होता है कि देयर इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज की डेट में क्या, देखिए हमारे यहाँ मनी सिस्टम है तो हर चीज की वैल्यू डिफाइंड है। लाइक अगर मैं आपको ये कहता हूं कि एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं, मनी सिस्टम की अपन बात करते हैं, अगर मनी सिस्टम है तो हमें पता है बेसिकली कि अगर मुझे आज की डेट में 1 kg ऑफ राइस लेना हो तो इसके लिए मुझे करीबन 50 rupees पे करना होता है। अगर एक ठीक क्वालिटी का राइस है तो 50 rupees पर kg पे करना होता है। बट दिक्कत क्या थी, जब बार्टर था, जब हमारे इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता था तो उस टाइम तो ये मनी था नहीं, तो हम क्या है मेजर कर नहीं सकते थे वैल्यू को। अब सपोज करो मेरे पास 1 kg राइस है, ठीक है, और मुझे चाहिए वीट 1 kg जो अखिलेश के पास है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, वैल्यू आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ना। सपोज करो अभी राइस जो है वो 50 rupees का है, वीट जो है वो 20 rupees का है, तो अब यहाँ पर देख रहे हो एक पर्सन से ज्यादा वैल्यू की चीज दूसरे पर्सन को जा रही है और दूसरे पर्सन से कम वैल्यू की चीज सामने वाले पर्सन को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होता था, कई बार एक्सचेंज में बहुत एक्सपेंसिव थिंग सामने वाले को दे देते थे जिससे हमारा कई बार क्या हो जाता था, नुकसान हो जाता था, क्योंकि बार्टर तो साफ साफ यही बोलता था आपके पास जो है हम वो लेंगे आपसे, वो कमोडिटी देंगे ही देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें इशू आता है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर गुड्स को आप मेजर नहीं कर सकते, आपके पास जो है आपको सामने वाले को वो चीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी वांट पूरी करनी है। तो अगर आप जैसे मेरे को बहुत ज्यादा अभी नीड है, मान लो फूड ग्रेन्स की मेरे को नीड है, ठीक है, मुझे खाने पीने की चीजें की नीड है। अब ये फूड ग्रेन्स मैं बोलता हूँ किसके पास है, मिस्टर एक्स के पास है। अब मिस्टर एक्स से मैं पूछता हूँ मुझे फूड ग्रेन दे दो, बदले में आपको क्या चाहिए, तो वो बोलता है आप मुझे अपने यहाँ का डायमंड नेकलेस दे दो। अब बताओ फूड ग्रेन और डायमंड नेकलेस की वैल्यू एक बराबर है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के बीच में? डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता था, जब आदमी भूखा मरता है तो सब कुछ दान करने को तैयार रहता है, यहीं पे बार्टर में लोग फायदा उठा देते थे। गुड्स का कोई कॉमन मेजर तो होता नहीं था, तब एकदम भूखमरी फैली, आपको खाने पीने का सामान चाहिए होता था तो बदले में कई बार आपको बहुत कीमती चीज चुकानी पड़ जाती थी, दैट वॉज वेरी डैमेजिंग और इसका बहुत नुकसान होता था। तो ध्यान से देखिए, दो मैंने आपको लिमिटेशन बता दी, सबसे पहला कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ना होना, कई बार ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए वो चीज सामने वाले के पास नहीं होती तो बार्टर सक्सेसफुल नहीं होता। दूसरा, इसका कोई मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था तो कई बार हम एक्सचेंज में बहुत कीमती चीज सामने वाले को दे देते थे। आप ईमानदारी से बताओ आपको दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं? हाँ या ना? यस सर, आ गया। आगे अब तीसरी बात, बार्टर में आप वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू।
अभी क्या होता है, आप मनी को स्टोर कर सकते हो जिससे आपकी वेल्थ जनरेट होती है। वेल्थ मतलब इससे पता लगता है कि आप कितने पैसे वाले हो। बट बार्टर सिस्टम में क्या था, आप गुड्स को ज्यादा समय स्टोर नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो इससे क्या होता था, ये कभी नहीं पता लगता था कि आप कितने ज्यादा वेल्दी हो या आपके पास कितना ज्यादा धन है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को लिख देता हूँ प्रॉपरली ताकि आपको पता रहे। अंडर बार्टर सिस्टम, ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ। स्टोर वेल्थ जैसे आज तिजोरियों में आप पैसा रख सकते हो, बैंक में पैसा रख सकते हो, जरूरत पड़ने पर फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये चीज बार्टर सिस्टम के टाइम नहीं थी क्योंकि आपके पास मोस्टली गुड्स होते थे और गुड्स जो होते हैं वो अक्सर पेरिशेबल नेचर के होते हैं। जैसे चावल को कितने समय तक स्टोर करोगे, वेजिटेबल को कितने समय तक स्टोर करोगे, आपको किसी भी हाल में उसको निकालना ही पड़ेगा वरना वो वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो आप उससे ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते थे। ठीक है, आप एक बात समझो, आप ये जो जो चीजें इसके डीमेरिट में पढ़ रहे हो, मनी के ये सारे मेरिट हो जाते हैं क्योंकि बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, मनी का कंसेप्ट लाया गया। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, सबसे पहले कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ना होना, कोई कॉमन मेजर नहीं था। कई बार हम कीमती चीजें सामने वाले को दे देते थे, देन आप गुड्स को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे तो आप फ्यूचर यूज नहीं कर सकते, जो है इमीडिएट आपको यूज करना होता था। और लास्ट डीमेरिट होता था lack of standard of deferred payment। साधारण भाषा में बोलू तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी अलाउड। यहां तो भाई सीधे गुड्स के बदले गुड्स देना होता था, उधारी की तो बात ही नहीं आती थी। आज मनी है तो क्या होता है, कई बार क्या होता है ट्रांजेक्शन में कैश में करते हो और कई बार चेक देकर आ जाते हो, जहां पर बाद में सामने आता है चेक को एनकैश करा सकता है। बट जब बार्टर सिस्टम था तो ये चीज नहीं हो पाती थी, आपको हाथों हाथ ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन करना होता था। डिफर्ड पेमेंट या लेट पेमेंट आप कर नहीं सकते थे। आप बताओ, आपको ये डीमेरिट समझ आया कि सिर के ऊपर से गए? आपको ये डीमेरिट समझ आया कि मैं दोबारा बोलू ये बोलू? सर एक बार और बताओ ना लास्ट। आ गया सर, आ गया। देखो एकदम सिंपल से एग्जांपल है यार, मेरी एक शॉप है, आप शॉप में है गुड्स खरीदने के लिए, आपको मैं पेमेंट के लिए दो चॉइसेस दूंगा। ठीक है, क्योंकि मनी है इसलिए चॉइस दी जा सकती है। आप मेरे को कैश दे दो, और कैश नहीं दे पा रहे हो तो उधार में सामान दे जाओ, मैं आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दूंगा, या मेरे यहाँ एक पोस्ट डेटेड चेक छोड़ दो, कल को मैं पेमेंट निकलवा दूंगा। तो यहाँ पर लेट पेमेंट के लिए हमको ऑप्शन दिया जाता है, क्रेडिट पेमेंट हम कर सकते हैं जब मनी सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन जब आप बार्टर की बात करते हो, और उस टाइम जब मेरी शॉप होती थी तो जब कोई आता था गुड्स खरीदने तो उसको उसके बदले में तुरंत ही क्या करना होता था, एक ऐसा सामान देना होता था जिसकी मुझे जरूरत है। यहाँ पर लेट पेमेंट नहीं चलती थी, पेमेंट तो एक तो थी नहीं। देखो गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता था, तो यहाँ पर इस हाथ दे उस हाथ दे वाला नियम चलता था, मतलब गिव एंड टेक रिलेशन था। आज आप मुझसे सामान ले जाना चाह रहे हो तो तुरंत ही मुझे आपको कोई सामान दो, वरना मैं आपको अपना सामान प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो आज जब से मनी सिस्टम है, आप उधारी में काम चला सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकते हो, चेक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब बार्टर हुआ करता था तो यह सारी चीजें जो थी वो अलाउड नहीं थी और आप कर भी नहीं पाते थे। अब बताओ कितना क्लियर है, अब बताओ ये चीज कितनी क्लियर है, हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना, फटाफट बोलो। यस सर, एकदम क्लैरिटी से आपको समझ आ गया, इसमें मन में कोई डाउट नहीं है। गुड्स के बदले गुड्स तुरंत देने होते थे, वहां पे लेट आप डिफर्ड कुछ भी नहीं कर पाते थे, लेकिन आज की डेट में जब से मनी सिस्टम है आप क्या कर सकते हो, उधार में भी सामान ले जा सकते हो। तो चलिए रिपीट करते, बार्टर का मतलब क्या है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज में लिए जाते हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है और ये वर्क कैसे करता है, पहले मैंने आपको बताया, जब आपको जो चाहिए मेरे पास है, मेरे पास जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए, हमारे माइंड मीट करने चाहिए, हम दोनों की वांट एक जैसी हो तभी हम गुड्स एक्सचेंज कर पाएंगे। तो इसके नुकसान क्या क्या है, सबसे पहला नुकसान कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का ना होना, मतलब आप तो मेरे पास सामान मांगने आए हो पर आपके पास जो सामान है उसकी जरूरत मुझे नहीं है, तो बार्टर नहीं हो पाएगा। दूसरा, यहाँ पर वैल्यू का कोई मेजरमेंट नहीं था, किलो लीटर, आज तो हर चीज का मेजर्स है, उस टाइम मेजरमेंट नहीं होता था। तो इसमें कई बार मजबूरी में हम क्या करते थे, ज्यादा महंगा सामान सामने वाले को दे देते थे। ठीक है, तीसरा,
आप मनी को स्टोर कर सकते हो पर गुड्स को आप स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप ज्यादा समय गुड्स स्टोर करते तो वैसे भी वो खराब हो जाते। चौथा, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट नहीं था। जैसे आज क्या कर सकते हैं, हम लेट पेमेंट कर सकते हैं किसी गुड्स को खरीदने पर, हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का, चेक का। बार्टर सिस्टम में यह नहीं था, तुरंत आपको गुड्स देना है और बदले में गुड्स लेना है। आप हैंड रेस करके बताइए, आपको ये चीजें एकदम अच्छे से समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? हैंड रेस करके बताओ, आपको एकदम अच्छे से समझ आया कि नहीं आया? कोई ऐसा पर्सन है जिसको लगता है कि उसे डाउट है, ये भी बताओ? नो सर, एकदम क्लैरिटी है, बिना देखे फटाफट बोलो तो क्या क्या डीमेरिट है, बिना देखे बोलो फटाफट क्या क्या डीमेरिट है। पहला डीमेरिट क्या है बोलो फटाफट, कोई भी, एनीवन? सर डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट। दूसरा डीमेरिट क्या है? कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा डीमेरिट क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। और चौथा क्या है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये नोट्स भी आपको मैं तुरंत अभी भेज दूंगा, ठीक है, आप इसे करिएगा। अब जैसे आपने बार्टर पढ़ दिया, तो अब हम क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, पहले मनी सप्लाई के बारे में पढ़ देते हैं, उसके बाद फिर आराम से मनी के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है। मनी सप्लाई का आपको एक्चुअल मतलब बताऊं ना, तो इसका मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में जनता के पास कितना पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जनरल पब्लिक हम लोग, ठीक है, हमारे पैसे बैंक में भी जमा होते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, हमारे पैसे बैंक में भी जमा होते हैं, ठीक। अभी प्रेजेंटली मैं बोलता हूँ जनरल पब्लिक के करेंसी एंड कॉइन 1 लाख का है, और बैंकों में जमा पैसा 2 लाख का है, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपसे कोई पूछ ले कि 10:51 को आप ये बताओ देश की मनी सप्लाई कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा बोलो? 10:51 AM को देश में टोटल कितना पैसा है, ऊपर मीनिंग देख लो क्या लिखी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जनता का पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारी इकोनॉमी में होता है, उसे मनी सप्लाई बोलते हैं। तो पब्लिक के पास खुद का 1 लाख है और उन्होंने बैंकों में जमा किया 2 लाख, तो बताओ अभी हमारे देश की मनी सप्लाई कितनी है, फटाफट बोलो, बोलो बोलो कितनी है मनी सप्लाई? 3 लाख। 3 लाख मनी सप्लाई है, पब्लिक के पास खुद का 1 लाख है और 2 लाख उन्होंने कहा जमा किया हुआ है, बैंक में जमा किया हुआ है। तो 3 लाख अभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो अभी पॉइंट ऑफ टाइम में 10:51 हमारे देश में टोटल मनी का वॉल्यूम कितना है, जितना पैसा पब्लिक के पास और जितना हमने बैंकों में जमा किया, 3 लाख हमारे देश की मनी सप्लाई है, ठीक है। अब अगर आप इसके फीचर की बात करें तो आपको कुछ बातें समझनी होगी यहाँ पर। फीचर नंबर 1, आप मनी सप्लाई का ध्यान रखेंगे, इट ओनली इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक। इसमें सिर्फ उसी पैसे को इंक्लूड किया जाता है जो पब्लिक होल्ड करके रखती है, जो पैसे पब्लिक के पास है। इसका मतलब यह है कि डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर, सेक्टर दैट इज गवर्नमेंट एंड बैंक्स। देखो गवर्नमेंट और बैंक तो पैसों के सप्लायर हैं, ठीक है, वो पैसा प्रोड्यूस करते हैं, वो पैसा सप्लाई करते हैं। तो जब हम अपने देश का मनी सप्लाई काउंट करते हैं तो हम उसी पैसे को गिनते हैं जो जनरल पब्लिक के पास है। हम यहाँ पर गवर्नमेंट के पैसे को या बैंक जो करेंसी इशू कर रहा है उसे नहीं काउंट करते। इस बात को दिमाग में बिठाओ, लॉजिक ये है कि दीज आर मनी क्रिएटर्स सप्लायर्स, ये मनी क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई करते हैं। तो जब मनी सप्लाई आप काउंट करेंगे तो गवर्नमेंट और बैंक के पास जो पैसा है आप उसे काउंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसी पैसे की काउंटिंग करेंगे जो जनरल पब्लिक का पैसा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट, आपको मैंने स्टॉक और फ्लो पढ़ाया हुआ है,
तो जब हम मनी सप्लाई की बात करते हैं, एक स्टॉक कंसेप्ट है जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना रुपए है ये देखा जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम। आप ईमानदारी से बताओ आपको ये दोनों फीचर समझ आए कि नहीं, और मनी सप्लाई का मतलब समझ आया कि नहीं। जनरल पब्लिक का जो पैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में है वो मनी सप्लाई है। फीचर नंबर वन, इसमें उसी मनी को लिया जाता है जो पब्लिक हेल्ड कर रही है। गवर्नमेंट जो मनी क्रिएट कर रही है, जो बैंकिंग सिस्टम में मनी क्रिएट हो रहा है, इसको काउंट नहीं करते। सेकेंड, ये स्टॉक कंसेप्ट है, मतलब इसमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मनी सप्लाई को काउंट किया जाता है कि इस समय में कितना मनी सप्लाई है देश में। आप हैंड रेस करके बताओ आपको मेरी कही गई बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? सर आ गई। आ गई। अब हमारे देश का मनी सप्लाई बनता कैसे है, इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। तो आपको मैं तीन कंपोनेंट दिख रहा हूँ, इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना और उसके बाद मेजर्स की बात करेंगे हम। हमेशा ध्यान रखो मनी सप्लाई के तीन कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट नंबर वन, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। हमारे पास जो पैसा है, जो पैसा पेपर नोट या कॉइन्स हम होल्ड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ करेंसी कौन कौन सी चल रही है, अभी 100 रुपए चल रहा है, और क्या चल रहा है, 200 रुपए चल रहा है, और 500 रुपए, 2000, ये जो हमारे पास नोट्स है, साथ साथ सिक्के कौन कौन से चल रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, 1, 2, 5 रुपए का भी, 2 रुपए का, 1 रुपए का, ये सारे जो पैसा हमारे पास है। दूसरा कंपोनेंट भी इसमें आता है, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। हमारा वो पैसा जो हमने कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट खुलवा के जमा करवाया है, ठीक है। और तीसरा इसमें आता है, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। आपको मैं तीनों को एक बार समझा देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। सपोज करो हम लोग हैं जनरल पब्लिक, हम लोग हैं जनरल पब्लिक, ठीक है। मैं बोलता हूं अभी हमारे पास करेंसी एंड कॉइन्स 1 लाख की है, ये हमारे पास इन हैंड है 1 लाख अभी करेंसी एंड कॉइन्स। मैं बोलता हूं इसको मनी सप्लाई में काउंट करेंगे, जी बहुत अच्छा है करेंगे। बाकी पैसा हम क्या करते हैं, बैंकों में जमा कर देते हैं। जैसे कुछ बड़े बैंकों के नाम बताओ बेटा। SBI और SBI, HDFC और पंजाब बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, और एक और कोई बोल दो, एक्सिस, ठीक है। अब इन बैंकों में क्या सिस्टम चलता है कि अगर हमें पैसा जमा कराना है तो यहाँ पे अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं। कैसे कैसे अकाउंट खुलवाते हैं हम लोग, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, और क्या खुलवाते हैं, FD, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, है ना। अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो कि हमारा पैसा जो बैंकों में जमा हो रहा है वो एक तरह का डिपॉजिट है। हम बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं एज अ डिपॉजिट। अब होता क्या है, FD में आपका पैसा लॉक हो जाता है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही निकलता है। लेकिन जब आप बात करते हो सेविंग अकाउंट की और करंट अकाउंट की, तो इसमें क्या होता है, आप जब चाहे तब पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे तब पैसा निकाल भी सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ये बताओ। सही बोल रहा हूँ। अच्छा, तो कभी भी जब पैसा डाल सकते हो और निकाल सकते हो तो इसको हम टर्म देते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या टर्म देते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब आप कंपोनेंट देखेंगे तो सबसे पहला कंपोनेंट है वो पैसा जो पब्लिक के पास ऑलरेडी है, करेंसी एंड कॉइन्स, वेल एंड गुड, ये फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे मनी सप्लाई का। दूसरा वो पैसा है जो हमने अपने बैंकों के सेविंग और करेंट अकाउंट में जमा किया है। अच्छा, कई टीचर्स क्या बताते हैं कि केवल करंट अकाउंट में जमा पैसा जो है वो डिमांड डिपॉजिट में कंस्टिट्यूट किया जाता है। बट आप थियोरिटिकली एग्जाम में जब करके आएंगे तो ये ध्यान रखिए कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में जो पैसा है वो एनी टाइम विड्रॉ किया जा सकता है, तो दोनों से ही डिमांड डिपॉजिट बनता है। तो हमारे देश का जब मनी सप्लाई आप काउंट करेंगे तो इसमें क्या क्या हमें लेना है, सबसे पहले वो पैसा करेंसी एंड कॉइन जो पब्लिक के पास है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट वो पैसा जो हमारा सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में है,
और तीसरी बात अर्डर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसका मतलब भैया ये होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ आरबीआई है, आरबीआई क्या है बताओ आप, आरबीआई क्या है हमारे देश में, आरबीआई क्या है? वो बैंकों के ऊपर नजर रखता है। तो क्या हम डायरेक्टली आरबीआई में पैसा जमा करते हैं? नहीं सर, नहीं करते। पर कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आरबीआई में क्या करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, ठीक है, हमारे देश की पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, तो बेसिकली ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आरबीआई में पैसा जमा करते हैं और इनके जमा पैसों को अदर डिपॉजिट बोला जाता है। व्हाई नॉट पब्लिक डिपॉजिट, क्योंकि जनता कभी भी आरबीआई में डायरेक्ट जाके पैसे जमा नहीं करती है, इसलिए जो पैसे आरबीआई में अलग अलग इंस्टीट्यूशन चाहे वो इंडिया के हो फॉरेन के हो जमा करते हैं, इंस्टीट्यूशन मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा जमा करती है उसे हम बेसिकली अदर डिपॉजिट बोलते हैं। बस इसमें एक बात आप ध्यान रखना और इसको मत भूलना, अदर डिपॉजिट डज नॉट include, other deposit does not include deposit of Indian government, number two commercial banks, जो हमारे देश के कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पैसा रखवा रहे हैं या जो हमारी सरकार आरबीआई के पैसा रखा रही है वो अदर डिपॉजिट की कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता। रेस्ट जो भी इंस्टीट्यूशन आरबीआई में पैसा जमा कराते हैं वो अदर डिपॉजिट के हेड में आता है। तो अब आपको अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, एकदम ऑन द टिप होना चाहिए, हमारे पास जो पैसा है करेंसी एंड कॉइन वो बैंकों में जो डिमांड डिपॉजिट किया गया मतलब वो पैसा जो हमारे सेविंग और करंट अकाउंट में है वो, और आरबीआई के पास जो पैसा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने जमा किया वो पैसा, सब मिलाकर हमारे देश का क्या बनता है, मनी सप्लाई बनता है। तो इससे कई बार आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलेट मनी सप्लाई, अब आपको इसमें क्या किया, कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जैसे करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक दे दिया, ठीक है, अच्छा उसके बाद दे दिया गवर्नमेंट डिपॉजिट, अच्छा फिर क्या किया, गवर्नमेंट डिपॉजिट क्या दे दिया, डिमांड डिपॉजिट, फिर दे दिया डिपॉजिट बाय वर्ल्ड बैंक, डिपॉजिट बाय वर्ल्ड बैंक विथ आरबीआई, ठीक है, फिर दे दिया डिपॉजिट बाय एसबीआई विथ आरबीआई, और अमाउंट दे दिया 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख। अब आप बताओ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अभी मनी सप्लाई कितना है हमारे देश में, बोलो कितना, 30 लाख, 30 लाख। आपने किस किस चीज को ऐड किया बताओ मेरे को, चलो फटाफट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट, और किसको ऐड किया, इसको ऐड नहीं करेगा डिपॉजिट बाय वर्ल्ड बैंक विद आरबीआई को, नहीं सर वो अदर में आता है तो उसको नहीं लेते, अदर को भी तो कंपोनेंट में देंगे ना, तीन कंपोनेंट है बेटा, तीन कंपोनेंट देते हैं हमेशा, करेंसी एंड कॉइंस विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट दो, और उसके साथ क्या दो, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब वो डिपॉजिट्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आरबीआई में जाके करते हैं, तीनों कंपोनेंट को कभी भी प्लस करना। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना, बस इसमें किसको नहीं देना, उन डिपॉजिट्स को जो इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई में कर रही है, कमर्शियल बैंक कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आपके मनी सप्लाई में क्या क्या आया, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट आया, और वो डिपॉजिट जो वर्ल्ड बैंक कर रहा है किसके पास, आरबीआई के पास कर रहा है। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या अभी तक, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, हाँ या ना, यस सर। अब बोलो टोटल क्या होगा, अब बोलो टोटल क्या होगा, आंसर, आंसर क्या होगा बोलो, 80 लाख विल बी आंसर, 80 लाख,
80 लाख आंसर होगा। गवर्नमेंट डिपॉजिट को हम काउंट नहीं करेंगे, और एसबीआई हमारे देश का कमर्शियल बैंक है जिसने आरबीआई के पैसा जमा किया उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये दो चीजें काउंट नहीं होगी। क्या क्या काउंट होगा? पब्लिक ने जो करेंसी हेल्ड करी है, जो डिमांड डिपॉजिट हमारे बैंकों में जमा है, और तीसरा अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तीन कंपोनेंट को आप ऐड करेंगे तो आपकी मनी सप्लाई आएगी। आप हैंड रेस करो, ये बात आपको समझ आई कि नहीं है? आप हैंड रेस करो, आपको ये बात समझ आई कि नहीं है? आपको कोई डाउट है तो इसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको इसमें कोई डाउट है? एकदम क्लैरिटी है तो बोलो। कभी भी मनी सप्लाई के तीन कंपोनेंट क्या क्या है? सब करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या क्या बता सर? एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट पैसा डालती है, वो इंडियन गवर्नमेंट या कमर्शियल गवर्नमेंट? यस सर। या जो बैंक पैसा डालते हैं, तो तीन कंपोनेंट हमेशा ध्यान रहेंगे। कोई डाउट तो नहीं आएगा इसमें? मनी सप्लाई कभी भी पूछे तो बता देना। या तीन चीज, हमारे पास जो पैसा, दूसरा बैंकों में हमने जो पैसा डाला है, और तीसरा आरबीआई के पास जो इंस्टीट्यूशंस का पैसा जमा है, तीनों मिला के हमारे देश की मनी सप्लाई बनती है। ठीक है, मुझे ये बताओ हनी, लक्ष्य, निकिता, आपको ये क्लियर हुआ? अदीश ये समझ आया? हनी समझ आया? हाँ या ना? Yes. कल क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो मेजर ऑफ मनी सप्लाई पढ़ेंगे। कल हम लोग M1, M2, M3, M4 मेजर्स पढ़ेंगे। ठीक है, M1 तो अभी मैंने आपको बता दिया, यही मेन मेजर है और हमको यही हमेशा पढ़ना होता है। करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, दूसरा डिमांड डिपॉजिट, और तीसरा अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 को मेन मेजर आप बोल सकते हैं, बाकी मेजर्स कल बताऊंगा। आई होप आपको इतना एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी आपको। पूरा बार्टर समझ आ गया होगा अभी तक? बार्टर के मनी सप्लाई मैंने जितना बताया आपको क्लियर है? फीचर अलग से पढ़ना है इसका अपने को, कंपोनेंट अलग से पढ़ना है, ध्यान रखना फीचर दो ध्यान रखना। इसमें सिर्फ वही मनी को इंक्लूड करते हैं जो पब्लिक हेल्ड करती है, इसमें मनी क्रिएटर्स का पैसा ऐड नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट और बैंकिंग पैसा ऐड नहीं होता बैंक्स का। ये एक स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही हम कैलकुलेट करते हैं। तीन कंपोनेंट होते हैं मनी सप्लाई के, हमेशा ध्यान रखो। वो पैसा जो हमारे पास है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, वो पैसा जो हमने सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा के बैंकों में जमा कराया जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, और वो पैसा जो हमारा आरबीआई के पास जमा है एज एन इंस्टीट्यूशन। जनरल पब्लिक का पैसा नहीं है ये, नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का पैसा है जो आरबीआई के पास जमा है। ठीक है, इसमें किस पैसे को आपको काउंट नहीं करना है? वो पैसा जो गवर्नमेंट की तरफ से जमा है, वो पैसा जो कमर्शियल बैंकों की तरफ से जमा है, क्योंकि दोनों को हम मनी क्रिएटर बोलते हैं, तो मनी सप्लाई के कंसेप्ट में इनके अमाउंट को इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब यस और नो चैट में बताओ, अभी तक जो पढ़े हो पूरा समझ आया कि नहीं? यस और नो बताओ, अभी तक जो पढ़े हो पूरा समझ आया कि नहीं आया? क्या आपको आ गया? Yes. तो इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कल हम लोग मेजर ऑफ मनी सप्लाई और फिर मनी की लीगल डेफिनेशन, मनी का कैरेक्टरिस्टिक और ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखना, ठीक है, आप ये करो।